हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं चेतन टेक्निकल पॉइंट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी और मैंने प्रोडक्ट निकाला कि जो मीरा कास्ट होती है केवल मी टीवी में ही होती है। मतलब इस पर कई सारी वीडियो बन रखी है कि ऑफलाइन कास्टिंग कैसे करें एंड्रॉयड टीवी में, तो केवल मीरा कास्ट केवल उसी में ही होती है एमआई टीवी में। तो मैं आज वीयू की टीवी में आपको मैं मीरा कास्ट करके दिखाऊँगा, वो भी किसी बिना नेट के। जैसे आप क्रोमकास्ट करते हो तो उसमें आपका नेट लगता है, जैसे कि आप जानते ही हैं गूगल होम ऐप से तब करते हैं तो आपको उसमें नेट चला जाता है काफ़ी सारा। तो इसके लिए आपको एक ऐप करना होगा जिसका नाम है एपी टीवी। तो दोस्तों आप, मैं दिखा सकता हूँ, कोई भी मीरा कास्ट मेरा ऐप नहीं है और आपने देख चुका होगा मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक भी ऐप मीरा कास्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो आपको एपी इंस्टॉल कर लेना होगा अपनी टीवी में। इसके बाद आपको सर्च करना होगा मीरा कास्ट, सर्च आइकन आपको दिख जाएगा ऊपर में दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी सब्सक्राइब की रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। तो आप देख सकते हैं नीचे फर्स्ट नंबर पर मीरा कास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपको सीम और पे जाना होगा, उसके बाद आपको ग्रीन वाला मीरा कास्ट इंस्टॉल कर लेना होगा अपने टीवी में। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। अब चाहते हैं अपनी टीवी के होम पेज पर, मतलब देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह इंटरफेस है, कोई गलत ऐप मत कर लेना इसके चक्कर में। दोस्तों चलते हैं अपने मीरा कास्ट ऐप पे। तो फर्स्ट आपको कर लेना, अगर जिस आपको किसी भी मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू कर लेना होगा, किसी भी मोबाइल का। पहले मैं इसे डिसकनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस वाले मोबाइल से कास्टिंग करनी है जिसका भी हॉटस्पॉट ऑन है। मैंने इसे ऑफ कर लिया दोस्तों। अब जैसे कि आप जानते हैं मैंने अभी एक और बात किया, मतलब हॉटस्पॉट ऑन किया है जिस जो कि हमें सिंक डाटा करने की डाटा देगा, जिसकी वजह से हम अपने डिस्प्ले वहाँ कास्ट कर पाएंगे। तो उसे आपको कनेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों मोबाइल आपको आना जाना अपने मोबाइल पे और वही वाला नेटवर्क आपको अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर लेना होगा जो आपको आप अभी किया था अपनी टीवी में आपने। इसके बाद आपको कर लेना होगा, सेटिंग पे जाना होगा दोस्तों। तो आप सेटिंग पे जाएंगे तो उसके बाद लिखना होगा वायरलेस डिस्प्ले या वाईफाई डिस्प्ले, आप लिखेंगे आपकी सेटिंग में शो हो जाएगा। दोस्तों जैसे वाईफाई डिस्प्ले लिखते ही नीचे आपको वायरलेस डिस्प्ले आ जाता है और आप देख सकते हैं नीचे चेतन टेक्निकल पॉइंट मेरी टीवी का नेम है जो वो आ चुका है। दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कनेक्टिंग दिखा रहा है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीका और ये कुछ भी लेक नहीं करता है, वो भी बिना नेट के चलता है दोस्तों। दोस्तों कनेक्टिंग थोड़ी देर करता है, उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। और आप देख सकते हैं मैंने कोई डाटा यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरा वाईफाई नेटवर्क ऑन है केवल। आप देख सकते हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छी तरह, बिल्कुल भी लेकिंग आपको नहीं दिखाई देगी, मेरा वाईफाई कनेक्ट है, आप नेट मेरा ऑन नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और काफ़ी बढ़िया कास्टिंग आप इसमें कुछ भी चला सकते हैं, सॉन्ग हो गए, वीडियोज़ हो गए और भी सारे चीज, जैसे कभी मैं गूगल चला के दिखा सकता हूँ, मतलब जो भी आप अपने मॉल में चलाओगे वो टीवी में चल जाएगा बिना किसी दिक्कत के अगर आप ये सारे प्रोसेस करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करके इस वीडियो को मोटिवेट करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना अगर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों।